हेलो बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते सर, क्या नाम है बाबूजी अपना? प्रभु राव। प्रभु राम जी कहाँ से आए हैं? हम आए हैं राजस्थान से, बाड़मेर से। राजस्थान बाड़मेर से? बाड़मेर जी, बहुत दूर पड़ जाता है। हाँ, बहुत दूर, 800 किलोमीटर सर। 800 किलोमीटर? हाँ जी। कब आए थे प्रभु जी? आज मेरे को 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए? हाँ जी। तो पहली बार आए थे इस मेले में? नहीं, पहली बार। पहली बार? हाँ। तो कैसा रहा, पहली बार आए तो मेहनत वसूल हुई कि नहीं हुई? अच्छा रहा। अच्छा रहा रिस्पॉन्स? अच्छा रहा। तो अभी मैं आपको सारे लोगों को बता देता हूँ कि प्रभु जी जो सामान बनाते हैं जी, वो सब हाथों की कारीगरी है। सब हाथों की कलाकारी और बहुत शानदार रेवाल चाल का सामान बनाते हैं। सिंधी घोड़ों का? सिंधी घोड़ों का। और ये आप ये देख सकते हो, सजावट वगैरह का सारा सामान मिलता है। क्या क्या सामान मिलता है देखो, ये तो मैं आपको बारीकी से बताता हूँ। ये घोड़े का सराजम है पूरा आखा। ओके, ये मैंने बनाया है शौक का। ये सब हाथों की कारीगरी? सब हाथों की कारीगरी, सब हाथों की कारीगरी मेरी, सब हाथों की कारीगरी है। ओके, और हम लाए बेचने के लिए। तो इसमें क्या क्या चीज है? इसमें डली है। हाँ, इसको थड़े बोलते हैं, खोगिर भी बोलते हैं। ओके, और ये पेगड़े के पट्टे चढ़ने के लिए। अच्छा, ये घोड़े का तंग है, पीठ के ऊपर रहता है, ये कपड़े वाला पेट के नीचे रहता है। ओके, काठी है बैठने के लिए, इसको काठी के ऊपर इसको बोलते हैं छलबरदा। ओके, और ये पुंछोटी आती है घोड़े की। अच्छा, वो पीछे लगाने के लिए? ये दुब के ऊपर आती है, उसके अंदर पुंछोटी आती है। अच्छा, ये घोड़े का दुब है उसके ऊपर रहता है। ओके, इसलिए ये जोड़ी शौकीन है बिल्कुल। मेरे को दाम कम दाम रहे पड़ी है अभी तक। तो ये पीतल की है भाई साहब, किसकी है ये? ये पीतल की है। पीतल की है? हाँ, पीतल की है। तो ये भी बनवाते हो क्या पहले से बनी बनाई अपने? नहीं, पास नहीं बनवाते, हम कारीगर के पास बनवाते हैं। बनवाते हैं? बनवाते तो है। कितने किलो की क्या होगी ये? ये लगभग होगी 4 किलो की। 4 किलो की? हाँ, 4 किलो होगी। और इस पूरे सेट का दाम क्या रहता है? ये मान लो 70-75 हम करते हैं। अब देखो किसके घोड़े पे जाएगी ये पता नहीं। 70-75 हजार? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तक आपने इस मेले में कितनी क्या बेच दी होगी? मैंने शादी जोड़ी बेची बहुत। शादी जोड़ी बेची? शादी जोड़ी? हाँ, शादी जोड़ी बेची, ये नहीं बिकी अभी तक। अच्छा अच्छा, ये बचत है। दाम इसके बोल रहे हैं 40-45-35-30 बोल रहे हैं। ओके, अभी बिकी नहीं पड़ी है। पर बिकी नहीं है? बिकी नहीं अभी तक, क्योंकि थोड़ा सा महंगा आइटम है और आपकी कारीगरी भी बहुत ज्यादा है। नहीं, ये देखो कारीगरी बहुत ज्यादा है, सब चमड़ा भरा हुआ है। ये हाथ की कलाकारी है कोई? खाली ये पीतल वाला छोड़ के आप मेरे को लगता है सब अपने हाथ से ही बनाते हो? सब हाथ से, हाथ की कलाकारी, सब हाथ की कलाकारी है, सब हाथ की कलाकारी है। तो ये आपके बाड़मेर राजस्थान की तरफ तो लोग पसंद करते हैं? हाँ, इसको ज्यादा पसंद करते हैं। बलोत्रा मेले में जाते हो? हाँ, बलोत्रा में दुकान लगाता हूँ। बलोत्रा में? बलोत्रा में कितने टाइम से जा रहे हो आप? लगभग 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से? तो अभी आप इसकी जो कीमत है वो 70-75 हजार रुपए कर रहे हो, बाकी जो भी बंदा लेगा तब वो आपसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? ऐसे तो होता रहता है ना, होता रहता है। और क्या क्या चीज है भाई साहब अपने पास में? और मेरे पास सादे खोगिर बहुत है, एक वो मीडियम में जोड़ी है वो देख लो, वो पड़ी है 35 हजार की है। इसका तल चमड़े का है, पूरा आइटम चमड़े का है। ये पूरा चमड़े का? हाँ, पूरे चमड़े का। ये जरा इसको हटा के इसको लगाओ ना एक बार। लगाता। ये देख सकते हो आप मेले में, आप जैसे ही एंटर करोगे तो भाई साहब की पहले नंबर पे ही दुकान लगी हुई है। और ये कितने की है भाई साहब? ये 4000 का। 4000 का खाली खोगिर? ये भी चमड़े का है? हाँ, चमड़े का है। अच्छा, एक सेट ही है ना? अटा। इसको बोलते तल। तल पाकिस्तान की, पाकिस्तान से पहली तल आ रहे थे। ओके, उसकी नकल बनाई मैंने। अच्छा, चमड़े का है। तो आप बाबूजी देख के भी कॉपी करके बना? हाँ, कॉपी करी। ये पाकिस्तान का तल आते थे पहली। अच्छा, उसके हमने नकल बनाई है चमड़े की। ये इसके ऊपर खोगिर है। ओके, ये खोगिर है इसके ऊपर। और ये काठी है, ये काठी है घोड़े की। ओके, देख चल मर तो लिया। ये घोड़े का टंग है, की चीज भी आपने बहुत मजबूत बनाई है। देखो हमारी कलाकारी है। ये काठी है, ये तंग है, ये पेगड़े के पट्टे हैं। ओके, चढ़ने के लिए घोड़े के ऊपर। और ये काठी के ऊपर छलमर्दा। ओके, ये गद्दी बोलो छलमर्दा बोलो बैठने के लिए। बाकी काठी वगैरह एक आम बात है, पर आपने जो आइटम बनाया ये जरा यूनिक है, यानी कि घोड़ी पे लगेगा तो घोड़ी भी यूनिक लगेगी। हाँ, लगेगी। सदी घोड़े चल रहे हैं मेले के अंदर, लोग देख रहे हैं। जो कच्छ भुज से घोड़े आए उन लोगों पर ये आइटम लगा हुआ है। बिल्कुल, देख रहे हैं लोग ये क्या लगा के रखा है। कच्छ से जो आए और वो घोड़े अलग ही दिख रहे हैं। एक मास्टर है यहाँ का, नीलेश मास्टर, उसके पास है सदी घोड़े हैं, वो अलग ही दिख रहे हैं, बहुत भागने वाले हैं। उसके ऊपर जूने टाइम में जो लग रहा था राजस्थान में ना सराजम कच्छ भुज में, वो उनके ऊपर है। लोग देख रहे हैं। कितने टाइम से ये कारीगरी का काम कर रहे हैं? 15-20 साल हो गए मेरे को। तो शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं, यानी कि अपने पीढ़ियों में था या आपने चालू? नहीं, पीढ़ियों में कर रहे हैं।
पीढ़ियों से कर रहे हैं, कर रहे हैं। बाकी ये घोड़े के वो पैर पे लगाने का, ये झड़प है घोड़े का। ये कितने रुपए का जोड़ा है? 700 रुपए की जोड़ी है। 700 रुपए की जोड़ी है, जोड़ी है। और 500 रुपए की जोड़ी है। अच्छा, 500 रुपए की भी जोड़ी है। 400 की है। ओके, 400 से लेके 700 हजार तक मिल जाएगी। और इसकी क्या कीमत है बाबू? इसकी 35 हजार रुपए की कीमत है। 35 हजार रुपए। इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा? और जो सकता है सब होता है, ऊपर नीचे मांगने में कोई नहीं देता। और बाकी ये जो है ये भी घोड़े के लगाने? ये पूछ छोटी है घोड़े की। अच्छा अच्छा, पूछ छोटी, पूछ छोटी। ये रेवाल चाल वालों की? रेवाल नहीं, ऐसे कोई चलाते उसको लगती है। अच्छा, यानी सजावट? रेवाल के कोई कारण नहीं है, सजावट की कोई लगा सकता। और ये घुंगरू है? ये घुंगरू है घोड़े। ये भी सब आपके हाथ के बनाए? सब हाथ के बनाए हुए। ये घोड़े की वाघ है, शंदी घोड़े के चलाने के लिए। अच्छा अच्छा। और कोई शॉपिंग में ऐसे लगाते? तो ये घुंगरू की क्या कीमत है? ये 700 रुपए है। और ये बाघ की? बाघ की 2000 है, 1500 है। और ये वाली जो रखी ये गली 3500 की है, 3500 की, 1500 की है। बाकी आपने जो डिजाइन बनाई वो ऐसी बनाई जैसे साड़ियों के ऊपर नहीं आती? देखो तो अपना अपनी पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक कितनी क्या सेल कर चुके होंगे बाबूजी? ऐसे करी 10-12 सेल करी। 10-12 सेल करी। तो बाबूजी कैसा लगा पहली बार आप मेले में आए? व्यवस्थाओं को लेके, हर चीज को लेके? नहीं, हर चीज व्यवस्था है, अच्छा लगा मेरे को। तो अब हर बार इस मेले में आएंगे? आएंगे, आएंगे। बिल्कुल। तो अब आपके यहाँ बलोत्रा मेले में लगा, पुष्कर में भी गए थे? हाँ गए थे, गए थे। पुष्कर में कैसा रेस्पॉन्स मिला? अच्छा रहा, अच्छा मिला, अच्छा रहा। पहली बार आए? पहली बार किसी के कहने से आए। दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई साहब कितनी मेहनत करके और ये शानदार आइटम बना रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि मेहनत जहाँ होती है वहाँ दाम भी देना पड़ता है। तो आप में से जो भी लोग हैं वो थोड़ा यूनिक आइटम लेना चाहें तो मैं भाई साहब का नंबर दे दूंगा, तो आप कोरियर के थ्रू या मेले में आए तो भाई साहब से मिलके और इस सामान को जरूर लें। आपको भी अच्छा लगेगा और भाई साहब को भी अच्छा लगेगा, जिससे ये हर बार मेले में आए और लोगों का शौक बढ़े और लोगों को भी थोड़ा सा यूनिक आइटम मिल सके। तो भाई साहब एक बार अपना नाम और आप कहाँ से हैं और एक मोबाइल नंबर? मेरा प्रभुराम नाम है, राजस्थान का हूँ, बाड़मेर जिले में। ओके।